विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद शीतकालीन प्रवास पर प्रदेश सरकार अपना पहला चरण शुरू करने वाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला कांगड़ा प्रवास होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। 28 तारीख को मुख्यमंत्री बैजनाथ से होते हुए कांगड़ा प्रवेश करेंगे और 2 फरवरी को ऊना से होते हुए शिमला रवाना हो जाएंगे। इस बारे में सारी जानकारी देते हुए उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने अपना पदभार संभालने के बाद मीडिया के साथ रूबरू होते हुए दी। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के लोगों को अब किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिला रेवेन्यू विभाग अब उपायुक्त कार्यालय की सहायता से सभी प्रमाण पत्रों को IT इनवैलिड किया जाएगा। इसके लिए ई जिला नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही पूरे सिस्टम को ऑपरेशन किया जाएगा ताकि आम जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। कांगड़ा में मीडिया के साथ रूबरू होते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि मिड डे मील और आंगनवाड़ी 2 संस्थाएं हैं और इन्हें भी सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के खाने के लिए जो सामग्री आती है उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को राशन की गुणवत्ता जांचने के आदेश दिए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि यातायात को सुदृढ़ बनाने और दुर्घटना को रोकने के लिए भी योजनाएं तैयार की जाएंगी। धर्मशाला सहित पूरे जिला में पार्किंग स्पॉट की निशानदेही की जाएगी और लोगों के चलने के लिए अलग से पगडंडियों का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का शीतकालीन प्रवास 28 जनवरी से होगा, ये 2 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री कई योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन भी करेंगे। जो सर्टिफिकेट्स तहसीलों में बनते हैं, SDM ऑफिस में बनते हैं, उन सर्टिफिकेट्स को देने के लिए अप्लाई करने के लिए लोग जो है पहले कागज बनाते हैं, फिर तहसीलदार के पास या SDM के पास पेपर्स जो है वो उनको देने आते हैं, फिर दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते जो है वो समय भी लगता है थोड़ा डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उनका सर्टिफिकेट तैयार करने में, और फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद वो सर्टिफिकेट लेने आते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को जो है वो प्राथमिकता के तौर पर जो है वो IT इनेबल्ड कर देंगे, जिससे कि लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकें और उनको जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह भी ऑनलाइन उनकी मेल एड्रेस पे ID वगैरह के ऊपर उपलब्ध हो जाए। और सर दूसरा आपने मिड डे मील आंगनबाड़ी के ऊपर स्ट्रेस दिया था। एक और महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें हमारे स्कूलों में मिड डे मील सर्व किया जाता है और आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनमें भी बच्चों को मील सर्व किया जाता है। तो फूड का और ग्रेन्स का क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, जिसमें कि जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल का वो डेली चेक करें, जिससे कि किसी भी तरह का जो माल न्यूट्रिशन या एडल्ट्रेशन का जो है वो फूड के ऊपर उसका चेक लगा रहे हैं। सर मेजर प्रॉब्लम जो है धर्मशाला की वो पार्किंग में, वैसे तो धर्मशाला क्योंकि स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी एक्टिवली पार्किंग का जो इशू है उसको टेकअप किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक सबवेज और ओवर ब्रिजेज जो है वो जहां जहां बनाए जा सकते हैं उनके प्रपोजल जो है वो तैयार किए जाएंगे और उस काम को करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।